नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले चेन्नई CHE वर्सेस DC यानी चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच की मैच, जो IPL का मैच है उसकी 10 ड्रीम 11 की विनिंग टीम्स। तो जैसे कि मैंने मैच को हाईलाइट करके दिखा दिया था, उस पर आपको क्लिक कर लेनी है। और अगर ऑफकोर्स आपने अगर टीम नहीं बनाई तो नीचे भी क्रिएट ए टीम का ऑप्शन मिलता है, माय टीम पर जाके भी आप क्रिएट ए टीम कर सकते हैं। और इनफैक्ट यहाँ पर मल्टीपल्स टीम बनाना थोड़ा ज़्यादा आसान है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऑलरेडी 10 टीम्स बना के रख चुका हूँ, जिसे मैं माय टीम पर क्लिक करके एक एक करके सभी टीमें आपको प्रिव्यू करके दिखाऊंगा, किस किस को लेना है, किस किस को नहीं लेना है, कैप्टन वाइस कैप्टन किससे बना सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, शुरू करते हैं। माय टीम पर क्लिक करता हूँ, पहली टीम आपको दिखा देता हूँ। ऑफकोर्स यहाँ पर दो कीपर है हमारे पास, ड्यूएन कॉनवे और पी सॉल्ट, इन दोनों को साथ में मैं इस टीम में ज़रूर लूँगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर बल्लेबाज देखिए, मेरे पास काफ़ी बढ़िया बढ़िया बल्लेबाज मैंने लिए हैं, डेविड वार्नर, अजिंक्य रहाणे, रॉली रॉसो, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, और ये सभी की सभी अच्छे खासे बल्लेबाज है और काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी है। तो इसीलिए इन सबको साथ में लेना काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रविंद्र जडेजा, मिचेल मार्श, अक्षर पटेल, तीन अच्छे खासे ऑलराउंडर है जो भी अच्छे खासे फॉर्म में है, विकटें भी ले रहे, रन भी बना रहे जरूरत पड़ने पर। तो इसीलिए इन तीनों को साथ में लेना भी यहाँ पर काफ़ी फायदेमंद रहने वाला। गेंदबाजी में ही कहाँ पीछे रहेंगे दोस्तों, हम गेंदबाजी में भी तुषार देशपांडे चेन्नई की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है और उनको इस टीम में मैंने शामिल कर लिया। तो कुल मिला के एक ज़बरदस्त टीम बनी है, हमारे पास सब कुछ है, बैट्समैन बॉलर ऑलराउंडर सब कुछ है दोस्तों। तो क्यों ना कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ज़बरदस्त से लिख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ड्वेन कॉनवे काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है और मैच दर मैच अच्छा ही परफॉर्मेंस करते ही जा रहे हैं, तो इसीलिए इनको कैप्टन, और उन्हीं के पार्टनर जो ओपनिंग के लिए आते हैं ऋतुराज गायकवाड़, वो भी ज़्यादा उनसे पीछे नहीं है। इन दोनों की जोड़ी हर बार शतकीय 50 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप बना रही है, तो इसीलिए इन दोनों को साथ में कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रह सकता है। तो इसीलिए मैंने ऐसा किया भी है। और यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगा कि आप उल्टा करना चाहे तो कर सकते हैं, कॉनवे को वाइस कैप्टन और ऋतुराज को कैप्टन भी बना सकते हैं, लेकिन इसी तरह से रखिएगा क्योंकि कॉनवे ज़्यादा बेटर खेल रहे हैं। इस टीम को आपको ग्रैंड लीग, बड़ी लीग या स्मॉल लीग किसी भी लीग के लिए यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, ज़रूर यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अच्छी लीग है, अच्छी टीम है, इसे क्लोज करते और दूसरी टीम देख लेते हैं। दूसरी टीम की बात करूं तो एक अलग फैसला मैंने ले लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिर्फ कॉनवे को ले रहा हूं, यहाँ पर पी सॉल्ट को मैंने ड्रॉप कर दिया है। इसके अलावा मेरे पास डेविड वार्नर, अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे को पिछली टीम में नहीं लिया था, रॉली रॉसो को लिया था, लेकिन इस बार मनीष पांडे को साथ में ले लूँगा, शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़। तो इस तरह से पाँच बल्लेबाज मेरे पास रहने वाले जो कि काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ पर भी मैंने एक चेंज कर लिया। अब यहाँ पर एक मैंने कीपर कम लिया है जिसका फ़ायदा मुझे जाके ऑलराउंडर में होने वाला है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक नहीं तीन चार चार ऑलराउंडर यहाँ पर लिए, जैसे कि रविंद्र जडेजा, मिचेल मार्श, मोइन अली, अक्षर पटेल। मोइन अली को पिछले टीम में नहीं ले पाया था, पी सॉल्ट को लिया था, लेकिन इस बार मोइन अली को लूँगा, बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर सकते हैं, और गेंदबाजी में खलील अहमद, जी हाँ दोस्तों अच्छी गेंदबाजी करते हैं और विकटें भी इनको मिल ही जाती है, तो इसीलिए इनको भी लेना काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर गेंदबाजी में मैं खलील अहमद के साथ जाने वाला। तो कुल मिला के पिछली टीम भी अच्छी थी, ये टीम भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इस टीम का कैप्टन डेविड वार्नर को बना रहा हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए कैप्टन। तो वही रहाणे भी काफ़ी ज़बरदस्त हिटिंग पावर बता रहे हैं अपनी, तो इसीलिए इनको वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। कुल मिला के ज़बरदस्त टीम है दोस्तों। ऑफकोर्स आपको ये चाहे तो ग्रैंड लीग के लिए यूज कीजिए, चाहे तो स्मॉल लीग के लिए यूज कीजिए। थोड़ा कहूँगा कि ग्रैंड लीग या बड़ी लीग के लिए ज़रूर यूज कीजिएगा, स्मॉल लीग के लिए शॉर्ट समझ के यूज कीजिएगा, आप पर छोड़ता हूँ। इस टीम को क्लोज करते हैं, तीसरी टीम देख लेते हैं किस तरह से मैंने बनाई। तीसरी टीम में मैं एक अटपटा सा लेकिन थोड़ा रिस्की डिसीजन जरूर कहूंगा, कॉनवे को ड्रॉप कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि कॉनवे काफ़ी मतलब ऐसे प्लेयर है कि हर मैच में खेलेंगे, हो सकता है कल ये अच्छा ना खेले और तब आप मेरे इस फैसले पर काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। पी सॉल्ट को अकेले को लूँगा, उसके बाद मेरे पास चार ही बल्लेबाज रहेंगे, डेविड वार्नर, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, चार अच्छे खासे बल्लेबाजों को मैं इस टीम में लेने वाला हूँ। उसके बाद तीन ही ऑलराउंडर रहेंगे, रविंद्र जडेजा, मिचेल मार्श और अक्षर पटेल, इसके अलावा किसी और ऑलराउंडर को मैं नहीं लूँगा।
लेकिन इसी की बदौलत इस बार मेरे पास 3 गेंदबाज रहने वाले। दीपक चहर ने अब मतलब शुरुआत कर दी है अच्छा खेलने की, पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। एनरिक नोजे और पार्थी राणा तो हमारे इस टीम में जरूर रहेंगे। पार्थी राणा भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कंसिस्टेंसली 1 या 2 विकेट ले ही लेते हैं, तो इसीलिए भी इनको भी लेना जरूरी है। इसके बाद इस टीम का कैप्टन मैंने अक्षर पटेल को बनाया और शिवम दुबे को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। वैसे अगर यहाँ पर उल्टा भी करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं। दुबे भी ज़बरदस्त सिटिंग कर रहे हैं और हर मैच में रन बना रहे हैं और काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से बना रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इनको भी आप कैप्टन ज़रूर बना सकते हैं। लेकिन अक्षर पटेल आपके पास डबल ऑप्शन मिलता है दोस्तों, बैटिंग और बॉलिंग दोनों का, दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं हर बार, तो इसीलिए इनको मैं कैप्टन बना रहा हूँ और दुबे को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। और कहीं ना कहीं दुबे को भी मैं कैप्टन करके ज़रूर दिखाऊंगा। इस टीम को भी आप ग्रैंड लीग, बड़ी लीग या स्मॉल लीग किसी भी लीग के लिए यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। इनफैक्ट टीम काफ़ी बेहतर है, तो बड़ी लीग भी इस पर ज़रूर लगाएगा और ग्रैंड लीग भी ज़रूर लगाएगा। कुल मिला के अच्छी खासी टीम है, इसे क्लोज करते हैं और चौथी टीम देख लेते हैं। चौथी टीम की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर कॉनवे और पीसॉल्ट दोनों को वापस साथ में ले लो। काफ़ी देर मतलब देर तक हम कॉनवे को हर टीम में बाहर नहीं रखेंगे, एक हाथ टीम में ही मैंने यहाँ पर ये आपको करके दिखाया ताकि हो गया अगर परफॉर्मेंस ख़राब इनका तो उस टीम को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो। यहाँ पर और एक अटपटा सा मैंने डिसीजन लिया है कि यहाँ पर सिर्फ डेविड वॉर्नर, ऋतुराज गायकवाड़ दो ही बल्लेबाजों को मैं लूँगा और इसी वजह से मेरे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन बन गए हैं। जब रविंद्र जडेजा, मिचेल मार्श, अक्षर पटेल 3 ऑलराउंडर, तो वही गेंदबाजी में देखिए दोस्तों ईशान शर्मा, खलील अहमद, तुषार देशपांडे, पार्थी राणा, तो 4 गेंदबाजों को अगर आपको लेना है किसी टीम में तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा, या तो ऑलराउंडर के साथ या फिर कीपिंग के साथ या फिर बल्लेबाजों के साथ। तो मैंने बल्लेबाजों को यहाँ पर मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया, ना ही रॉली रॉसो को ले रहा हूँ, मनीष पांडे को भी नहीं ले रहा हूँ, तो यहाँ पर यही 2 और बल्लेबाज हैं जिनको आप टीम में शामिल कर सकते थे। तो इस तरह से ये भी टीम काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, और इस टीम का कैप्टन मैं मिचेल मार्श को और गायकवाड़ को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। मिचेल मार्श बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, गेंदबाजी भी कर सकते हैं, तो इसीलिए कैप्टन बना रहा हूँ। तो ऋतुराज अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं, इसीलिए वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इस टीम को मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग या बड़ी लीगों के लिए सजेस्ट करूँगा, स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। इस टीम को क्लोज करते हैं और पाँचवीं टीम देख लेते हैं। पांचवी टीम की बात करूँ तो दोस्तों कॉनवे अकेले को मैं इस टीम में लेने वाला हूँ एज अ बल्लेबाज, बाकी माफ कीजिएगा कीपर, बाकी किसी और को नहीं लूँगा। इसके बाद डेविड वॉर्नर, अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे को अब तक नहीं लिया था, रॉली रॉसो, गायकवाड़, इस तरह से 5 बल्लेबाज फिर से मेरे पास रहने वाले दोस्तों। उसके बाद रविंद्र जडेजा, मिचेल मार्श, अक्षर पटेल फिर से रहेंगे और पार्थी राणा और तुषार देशपांडे 2 गेंदबाजों को मैं इस टीम में लूँगा जो कि दो हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं। तो इस तरह से ये भी टीम काफ़ी अच्छी और अलग है दोस्तों और हटके है क्योंकि मैंने यहाँ पर रॉली रॉसो और मनीष पांडे दोनों को शामिल कर लिया है। हो सकता है कल दोनों ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करें तो इस टीम को हमारे काफ़ी फायदा हो सकता है। और दोस्तों साथ ही साथ एक भी ऑप्शन मैं छोड़ना नहीं चाहता जिससे आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं, हर एक वो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ जिससे आपके ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस बन जाए। इस टीम का कैप्टन मैंने ऋतुराज को बनाया तो वही मनीष पांडे को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। ऋतुराज भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं और मनीष पांडे ने कुछ मैचेस में अच्छा किया है, कुछ मैचेस में इतना खास नहीं रहा, फिर भी इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन कभी ना कहीं ना कहीं ज़रूर बनाएगा। हो सकता है कल ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस करे तो आपको ज़्यादा फायदा हो, इसीलिए कुछ ना कुछ हटके करना होगा। इस टीम को आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड लीग या बड़ी लीगों के लिए सजेस्ट करूँगा, आप चाहे तो स्मॉल लीग के लिए यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, आपकी आप पर छोड़ता हूँ मैं इस डिसीजन को भी। तो इस टीम को क्लोज करते हैं, छठी टीम देख लेते हैं किस तरह से मैंने बनाई। छठी टीम मैंने कॉनवे को अकेले को फिर से लूँगा, उसके बाद डेविड वॉर्नर, मनीष पांडे, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, तो उस तरह से 4 बल्लेबाज और इस बार 2 ही ऑलराउंडर को लूँगा, मिचेल मार्श और अक्षर पटेल। यहाँ पर जडेजा को ड्रॉप कर रहा हूँ, थोड़ा रिस्की है लेकिन इसी वजह से मेरे पास फिर से 4 गेंदबाज बन गए, ईशान शर्मा, दीपक चहर, एनरिक नोजे और पार्थी राणा। ये चारों भी काफ़ी विकेट ले सकते हैं दोस्तों और काफ़ी खतरनाक गेंदबाजी है, तो इसीलिए इन चारों को साथ में ले रहा हूँ। तो इस तरह से ये भी टीम काफ़ी बढ़िया है, 4 बल्लेबाज, 4 गेंदबाज, 2 ऑलराउंडर और 1 विकीपर है, तो कुल मिला के अच्छी खासी टीम है। कैप्टन बना रहा हूँ शिवम दुबे को, काफ़ी ज़्यादा हिटिंग कर रहे हैं इस बार, काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ अच्छे खासे रन बना रहे हैं, तो इसीलिए कैप्टन बना रहा हूँ। मिचेल मार्श को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ क्योंकि ये भी अच्छी खासी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये भी टीम अच्छी खासी है, मुझे तो लगता है ग्रैंड लीग या बड़ी लीग या स्मॉल लीग किसी भी लीग के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इस टीम को भी स्मॉल लीग के लिए सोच समझ के यूज़ कीजिएगा।
कुल मिला के इस टीम को भी क्लोज करते हैं और सातवीं टीम देख लेते हैं किस तरह से मैंने बनाई है। सातवीं टीम की बात करूँ तो कॉनवे और पिसॉल्ट फिर से दोनों को साथ में ले रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी अलग टीम होने वाली है। डेविड वार्नर, अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, रॉली रॉसो, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, तो इस तरह से आप दो कीपर और छः बल्लेबाजों के साथ जाते हैं। यानी अगर हो समझो ये हाई स्कोरिंग मैच हो जाता है तो सभी के सभी बल्लेबाज हमें काम आने वाले हैं दोस्तों, तो इसीलिए इन दोनों इन सभी को मैंने एक टीम में साथ में ले लिया है। इसके बाद रविंद्र जडेजा और मिचेल मार्श दोनों ही ऑलराउंडर में रहने वाले। इस बार मैंने अक्षर पटेल को ड्रॉप किया, थोड़ा ज़्यादा रिस्की फैसला है लेकिन फ़ायदेमंद साबित हो सकता है अगर वो उनका परफॉर्मेंस अच्छा ना रहा तो। खलील अहमद को इस टीम में लूँगा क्योंकि इनको विकेट मिलती रहती है, तो यहाँ पर इसीलिए इनको ये इस टीम में शामिल करूँगा। काफ़ी अलग टीम है दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग या बड़ी लीगों के लिए ही है, स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल भी ये टीम नहीं है। कैप्टन की बात करूँ तो रहाणे को कैप्टन और रॉली रॉसो को वाइस कैप्टन बनाऊंगा क्योंकि इन दोनों को भी कहीं ना कहीं कैप्टन और वाइस कैप्टन जरूर बनाएगा। हो सकता है कल ये ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस करे, तो इसीलिए ये अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो इस टीम को आपको ग्रैंड लीग जीतने से कोई नहीं रोक सकता, तो इसीलिए मैंने इस टीम को इस तरह से भी बनाया और इन दोनों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। फिर से बता दूँ दोस्तों, इस टीम को सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए यूज़ करना है, स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इस टीम को भी क्लोज करते हैं। आठवीं टीम किस तरह से बनी है उसको भी हम देख लेते हैं। आठवीं टीम की बात करूँ तो पी सॉल्ट को अकेले को इस टीम में ले रहा हूँ। फिर से डेविड वार्नर, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़ चार बल्लेबाज रहेंगे। रविंद्र जडेजा, मिचेल मार्श, मोइन अली, अक्षर पटेल चार ऑलराउंडर रहेंगे। तुषार देशपांडे, एंड्रिक नोजे दो गेंदबाज रहेंगे। तो ये भी टीम काफ़ी अलग है और मोइन अली इस टीम के कैप्टन रहने वाले, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तुषार देशपांडे चेन्नई की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट ले चुके हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना काफ़ी फायदेमंद रहेगा, तो ज़्यादा लोग इन पर दोनों पर ज़्यादा दाव नहीं लगाएंगे, तो मुझे लगता है जोड़ी ज़्यादा काफ़ी फायदेमंद रहेगी, आपको काफ़ी रिटर्न देगी, तो इसीलिए इन दोनों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इस टीम को भी मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग या बड़ी लीगों के लिए सजेस्ट करूँगा, स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। इस टीम को भी क्लोज करते हैं और नौवीं टीम किस तरह से बनाई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चले नौवीं टीम की अगर बात करूँ तो कॉनवे और पी सॉल्ट दोनों को वापस साथ में ले रहा हूँ। डेविड वार्नर, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़ तीनों को एक साथ ही तीन ही बल्लेबाज यहाँ पर ले पाऊँगा। उसके बाद रविंद्र जडेजा, मार्श, मिचेल मार्श, अक्षर पटेल तीनों ऑलराउंडर रहेंगे। खलील अहमद, तुषार देशपांडे और पात्राना तीन अच्छे खासे गेंदबाज रहेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करूँ तो कॉनवे, दुबे, गायकवाड़, जडेजा चार अच्छे खासे बैट्समैन ऑलराउंडर बोलेंगे तो ये रहेंगे चेन्नई की। पी सॉल्ट, वार्नर, मिचेल मार्श, अक्षर पटेल ये रहेंगे दिल्ली के। गेंदबाजी की बात करूँ, जडेजा, पांडे, तुषार देशपांडे और पाथिराना तीन यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे। खलील अहमद, मिचेल मार्श और अक्षर पटेल ये तीन ऑप्शन रहेंगे गेंदबाजी के दिल्ली की तरफ से। तो काफ़ी संतुलित टीम है, काफ़ी हटके टीम बनी है। तो कैप्टन की बात करूँ तो यहाँ पर पी सॉल्ट को कैप्टन और जडेजा को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। दोनों भी अच्छे खासे हैं और शायद ही मतलब इन दोनों पर ज़्यादा दाव लगेगा। यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि उल्टा करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं, जडेजा को कैप्टन और पी सॉल्ट को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। जडेजा बैटिंग और बॉलिंग दोनों में पॉइंट देंगे, तो पी सॉल्ट अगर कीपिंग करते तो यहाँ पर आपको कैचिंग, स्टंपिंग या रनआउट के भी एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकते हैं, तो इसीलिए इन दोनों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाए। इस टीम को भी ग्रैंड लीग या बड़ी लीगों का तो यूज़ करना ही है, स्मॉल लीग के लिए यूज़ करेंगे तो भी मुझे कोई यहाँ पर दिक्कत तो नज़र नहीं आ रही। फिर भी अगर सोच समझ के यूज़ कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर दिल्ली की तरफ से मेरे पास रॉली रॉसो, मनीष पांडे दोनों को मैं नहीं ले पाया हूँ और यहाँ पर ये इस तरह से टीम बनी है। इस टीम को भी क्लोज करते हैं और दसवीं और आखिरी टीम किस तरह से बनाई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दसवीं और आखिरी टीम में मैं फिर से कॉनवे और पी सॉल्ट के साथ जा रहा हूँ। डेविड वार्नर, रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ तीन ही बल्लेबाज रहने वाले। यहाँ पर मैं रविंद्र जडेजा, मिचेल मार्श, अक्षर पटेल और अमन खान ये चार ऑलराउंडर इस टीम में लेने वाला हूँ दोस्तों। और उसके बाद कुलदीप यादव और महेश टिक्षणा को अभी तक एक भी टीम में नहीं ले पाया था, तो इनको यहाँ पर दोनों को एक साथ में ही ट्राई करने वाला हूँ। एक बात ज़रूर कहूँगा दोस्तों, मिचेल मार्श को मैंने कहीं पे भी ड्रॉप नहीं किया है। अगर आप इनको ड्रॉप करते तो आप रॉली रॉसो या मनीष पांडे किसी को भी एक को यहाँ पर अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, लेकिन अमन खान को ज़रूर रहने दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पिछले मैच में ज़बरदस्त 50 लगाई थी ज़रूरत पड़ने पर, तो उनको भी एक आध टीम में तो रखना ज़रूरी है
दोस्तों। इसके अलावा काफ़ी बढ़िया टीम है, जडेजा को कैप्टन बना रहा हूँ, वार्नर को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, दोनों के दोनों बेस्ट है दोस्तों। एक अच्छा खासा ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकता है, तो एक अच्छा खासा बैट्समैन है, अच्छी खासा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर सकता है, तो इसलिए इन दोनों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। वैसे तो मुझे लग रहा है ये टीम ग्रैंड लीग या बड़ी लीग या स्मॉल लीग किसी भी लीग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप इस टीम को भी फिर से स्वरूप समझ के स्मॉल लीग के लिए यूज कीजिएगा, ग्रैंड लीग के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी बढ़िया टीमें बनी है दोस्तों। आई होप आप सबको मेरी सभी टीमें और मेरा वीडियो अगर ज़रूर थोड़ा भी पसंद आया ना दोस्तों, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक करना ना भूले, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचते रहे, आप अच्छे से अर्निंग करते रहे। साथ ही साथ कुछ बातें ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरी सभी टीमों में आप लगाने से पहले एक या दो चेंजेस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सभी के सभी लोग एक जैसे ही टीमें लगाएंगे तो सभी तो नहीं जीत सकते ना दोस्तों, कुछ ही लोग जीतने वाले, तो इसीलिए कुछ ना कुछ थोड़ा चेंजेस करेंगे तो जीतने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम को भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट के स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ और एक दो तीन टीमों के देने की कोशिश करता हूँ फिर से वापस स्क्रीनशॉट के ज़रिए, और साथ ही साथ प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस हुए हैं वो भी वहाँ पर बताता हूँ, तो इसीलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आई होप वीडियो को आप ज़रूर लाइक करेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय।